नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आफ्ताब स्टडी क्लासेस में। दोस्तों आज के पेपर में हम लोग बात करने वाले हैं, देखिए आज मैं आपके लेकर आया हूँ एक पेपर, ठीक है, जो MJP रोयलखंड यूनिवर्सिटी का है, मतलब महात्मा ज्योतिबा फुले रोयलखंड यूनिवर्सिटी का पेपर है। इस पेपर कोड है 11001, इसके पेपर का भी कोड है ये पेपर जो है वो 2019 का है। इसी के आधार पर ही, इसी पैटर्न के आधार पर आपका भी पेपर 2020 का होगा। इसके बाद देखिए इसमें लिखा हुआ है जनरल इंग्लिश का पेपर है, ये है फर्स्ट पेपर है, ठीक है। फर्स्ट पेपर में आपको 3 घंटे का समय मिलता है, जिसके लिए आपको कितने नंबर मिलते हैं, 50 नंबर मिलते हैं, ठीक है। इसमें देखिए नोट लिखा हुआ अटेम्प्ट ऑल सेक्शंस एज डायरेक्टर, मतलब ये है कि इसमें जितने भी सेक्शन रखे हैं सभी सेक्शनों को अटेंड करना है। इसमें देखिए सेक्शन ए है, बी है और सेक्शन सी भी मिलेगा आपको। देखिए सेक्शन ए में आपके लिए इसमें क्या आएगा, सेक्शन ए में आता है प्रत्येक क्वेश्चन 10 नंबर का आता है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, मतलब इसमें लॉन्ग प्रश्नों के उत्तर देने पड़ते हैं। जिसमें देखिए पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है गिव ए क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ एल डुडले स्टैम्प्स ब्यूज इन यूजिंग लैंड वाइजली, अथवा ब्रिंग आउट द गुड एंड द बैड ऑफ द ओल्ड एंड न्यू सिस्टम्स ऑफ एजुकेशन, मतलब आपको इन 2 क्वेश्चनों में से सिर्फ एक क्वेश्चन का जवाब देना है, जिसके लिए आपको कितने मिलेंगे, 10 नंबर मिलेंगे। इसी प्रकार से आपके लिए 2 क्वेश्चन और हैं, एक क्वेश्चन नंबर दूसरा, एक तीसरा, इनमें भी आपको यही लॉन्ग क्वेश्चन मिलेंगे, जिसके आपको लॉन्ग ही जवाब देने पड़ेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 3 क्वेश्चन आपको 10-10 नंबर के मिलेंगे, तो टोटल आपके कितने नंबर हो गए, 30 नंबर के, तो यही आपके क्वेश्चन आ जाएंगे। इसे आप बहुत ही विस्तारपूर्वक लिखिएगा, जिससे कि आपको और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिल सकें। इसके बाद देखिए सेक्शन बी में क्या आता है, सेक्शन बी जो होता है इसमें लिखा है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, मतलब आपको ये शॉर्ट प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जो आपको प्रत्येक 2 नंबर का मिलेगा, ठीक है, 2 नंबर का ये क्वेश्चन होगा। इसमें देखिए क्वेश्चन का इस प्रकार से है, लिखा है नंबर 4 देखिए आपको दिख रहा होगा, लिखा है अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस, मतलब सिर्फ 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है, आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन करने हैं, प्रत्येक 2 नंबर का है। जिसमें देखिए आप लोग पढ़ भी लीजिए, आपको पता लग जाएगा किस टाइप से क्वेश्चन आता है। पहला लिखा है सो हाउ जॉर्ड लैमेंट्स ऑफ अवर बिलीफ इन माइट इन राइट, दूसरा है राइट ए नोट ऑन द रोल ऑफ हार्ट बीट इन द लाइफ ऑफ एन इन्फेंट एज वेल एज ऑफ ए ग्रोन अप मैन, इसके बाद देखिए तीसरा लिखा हुआ है व्हाई डज द गर्ल चूज टू गो विद द मैन इन ए रॉन्ग मैन इन वर्कर्स पैराडाइज, चौथा क्या है कि राइट नोट ऑन द मॉरल इन द स्टोरी द डायमंड नेकलेस, पांचवा है वैल्यू ऑफ गिफ्ट्स कैन नॉट बी ओवर लुक्ड डिस्पाइट द एरोनेज ऑफ लाइफ कमेंट, 5 ये हो गए। देखिए इसके बाद और भी देखें आपको हैं, इसके बाद देखिए छठा रखा है 6, 7, 8, ये भी आपको देखे हैं। देखिए 6 नंबर क्या है, ये 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, इस प्रकार से आपको 8 क्वेश्चन मिलेंगे, 8 में से आपको सिर्फ 5 करने हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। इस प्रकार से इसके बाद देखिए सेक्शन सी स्टार्ट होता है, सेक्शन सी में देखिए क्या आता है, सेक्शन सी प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का है, 1 नंबर का है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 5 का देखिए ए वाला क्या है, इसमें क्या लिखा हुआ है चेंज एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज एज डायरेक्टर, मतलब इनमें से आपको सिर्फ 4 करने हैं, ठीक है, इसमें से आपको कितने करने हैं, 4। देखिए क्या करना है, इसमें देखिए नंबर लिखा हुआ है GEE सैट टॉमी वाट ए वास्ट, आपको इसका नरेशन चेंज करना है, 1 नंबर का हो जाएगा। आपको करने कितने हैं, इन 5 में से आपको 4 करने हैं सिर्फ, ठीक है। देखिए 5 मिलेंगे, 5 में कितने करने हैं, 5 में से कोई 4 करने हैं। दूसरा देखिए रखा है चेंज द वास्ट रखा है, तीसरा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, चौथा है सिंपल सेंटेंस, और 5वां क्या है निगेटिव विदाउट चेंजिंग मीनिंग, निगेटिव बनाना है। इसमें से आपको कितने करने हैं, कोई 4 करने हैं, 4 नंबर के। इसके बाद देखिए क्या रखा है कि 3 ऑफ द फॉलोइंग इन योर एंड, आपको इन 3 में से इन देखिए कितने रखे हैं आपको है? नंबर बी में लिखा है यूज एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग इन योर ऑन सेंटेंस, मतलब सेंटेंस में इनका यूज कीजिए, तो आपको देखे हैं इनमें सिर्फ 3 का ही यूज करना है। इसके बाद देखा है डू एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टर, इन 4 में से किन्हीं 3 को इसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, इसका एडवर्ब बनाना है, इसका एडजेक्टिव करना है, इसका एंटोनिम, इसका सिनोनिम बताना है, ठीक है। इसमें सिर्फ 3 का, इसमें 3 का, इसमें 3 का, और इसमें 5 का, ठीक है। इस प्रकार से आपका पेपर जो है 50 नंबर का हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप सभी लोगों को इसका जानकारी भी हो जाए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।